नमस्कार, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं 99 मेग। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अब होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं होगा कस्टमर्स के लिए। होटल और रेस्टोरेंट 5-20% तक सर्विस चार्ज वसूल करते रहे हैं, लेकिन अब कस्टमर्स को अपनी इच्छा से ही सर्विस चार्ज देना होगा। BCCI के विद्रोही तेवरों के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया और कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बोर्ड का कामकाज करना बंद कर देना चाहिए। नए सेना प्रमुख बिपिन रावत बोले, हर बार सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी नहीं, घाटी में शांति का है मकसद। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छवि खबर के मुताबिक घर खरीदना सस्ता हो जाएगा क्योंकि होम लोन ब्याज की दरें पिछले 6 सालों में सबसे कम हो गई हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में 0.9% तक की कटौती कर दी है। अब महिलाओं को होम लोन पर 8.20% की दर से ब्याज लगेगा, जबकि पुरुषों पर यह दर 8.25% होगी। नोटबंदी के बाद सारे देश कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में स्थित प्रसिद्ध सनातन धर्म मंदिर को भी कैशलेस बना दिया गया है। इस मंदिर में आप अगर कुछ पैसे दान करना चाहते हैं तो आपके कैश ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पेटीएम के जरिए पैसे दान कर सकते हैं। मंदिर में रखी भगवान की हर मूर्ति के आगे पेटीएम का बारकोड चिपका दिया गया है, ताकि आप जिस भगवान के लिए दान करें वो उसी भगवान की दान पेटी में जाए। ये थे आज के मुख्य समाचार। मिलते हैं कल फिर ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए 99 मेग। आपका राहुल, नमस्कार।